गांधी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा, और कांग्रेस में देखिए क्योंकि सत्ता में है कांग्रेस, इसलिए निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस में दावा जाए की संख्या तो बढ़नी है, उससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ ये भी महत्वपूर्ण होता है कि सांगठनिक स्तर पर जो आपने लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रक्रिया अपनाई, इस प्रक्रिया के बाद आपने बहुत सारे लोगों के अंदर में एक उत्साह का संचार किया, वो उत्साह का संचार जो है वो चरम सीमा पर है। तो निश्चित रूप से जब टिकटों का वितरण होगा तो उसके बाद इस तरीके की स्थिति में देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही बड़े राजनीतिक दल है, दोनों राजनीतिक दलों में ये चीजें होती है। और कांग्रेस को भी देखिए जब बात आती है कभी कभी ये होता है कांग्रेस में जो अपना विरोध प्रदर्शन का तरीका वो थोड़ा सा अलग होता है, भाजपा में कुछ अलग होता है, तो इसको लेकर के भी चीजें रहती है, और इसको लेकर के भी लोग कांग्रेस सोचती है कि किस तरीके से हम चीजों को मैनेज करें। जिस प्रकार का विरोध हमारे यहाँ होता है जो एकदम सार्वजनिक रूप से दिखता है सीधे तौर पर, उन चीजों को हम कैसे डैमेज करें, कंट्रोल करें, इन चीजों को भी सोचा। उसके बाद देखिए जो लिस्ट की बात लगातार हो रही है कि कांग्रेस ने अभी मात्र 30 प्रत्याशियों की सूची जारी करी है, अभी लगभग 60 प्रत्याशियों की सूची और आना बाकी है। तो इसमें भी हम बात करें तो 30 पर भी उन्होंने देखिए पूरे मंत्रिमंडल को टिकट दे दिया, जो महत्वपूर्ण लोग थे उनको सबको टिकट दे दिया। अभी जो अभी जो बची है 60 टिकटें उस पर कहा जाइए जा रहा है कि लगातार जो हमारी मैक्सिमम टिकटों पर सीटों पर एक नाम फाइनल हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सूची नहीं आ रही है। केवल 30 सूची आई है, जिस सूची में बहुत ज्यादा कुछ करने की संभावना नहीं थी वो सूची जरूर आई है, और एक और कुछ सूचियां जो है वो मार्केट में चल रही थी, जिसमें लगभग 23 विधायकों के कांग्रेस के 23 वर्तमान विधायकों के टिकट कटने का भी चल रहा था उसमें। तो देखिए अभी जो पहली सूची आई है 7-8 विधायकों का टिकट ऑलरेडी कट चुका है, तो और ये भी चीज चल रही है लगातार कि देखिए किसका टिकट कट गया है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा असमंजस का माहौल है। और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पहले दौर की चालू हो चुकी है, दूसरे दौर की प्रक्रिया भी जल्द चालू होने वाली है, तो इसमें कांग्रेस से लगता है मुझे कि